नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। करौली पुलिस ने सक्रिय दिल्ली की जेब कतरा गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए गिरोह के मुखिया सहित 6 लोगों के कब्जे से चुराए गए पर्स, मोबाइल और एटीएम बरामद किए हैं। सभी गैंग के सदस्य दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के निवासी है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबर बूंदी से है। चातालाब गांव में प्रशासन ने रीको की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसके बाद अतिक्रमण और आपसी कहासुनी के कारण दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष घायल हो गए। हिंडोली थाने के तालाब गांव में सोमवार दोपहर बाद रीको की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने और पैसों के लेन देन संबंधी हुई कहासुनी की खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। झगड़े में नजमा बानो पत्नी शरीफ, सलीम इस्लाम, रजिया, सब्बीर, शकीला को चोटें आई है। परिजनों ने घायलों को हिंडोली अस्पताल में भर्ती करवाया है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबर चूरू से है। कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर देवकरण उर्फ देवला को दूधवाखारा थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सीआई सतीश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, चोरी सहित जेल में मोबाइल फोन सप्लाई करने जैसे करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। थाना अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने हाल ही में शहर की एक एजेंसी में बाइक की सर्विस करवाने गए युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और सरिये से ताबड़तोड़ वार कर उसके पैर तोड़ दिए, जिसका पीड़ित युवक ने कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कराया था। उसी मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवकरण उर्फ देवला को गिरफ्तार कर लिया है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। अगली खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा जिले के काचोला थाना क्षेत्र के धामनिया गांव में रक्षाबंधन के दिन एक खाकला व्यवसायी की धारदार हथियार से गला रेत कर और गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के 15 घंटे बाद तक आरोपी के गिरफ्तार नहीं होने से ग्रामीणों ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। वही पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, मांडलगढ़ डिप्टी ज्ञानेंद्र सिंह ने आक्रोशित लोगों से समझाइश की। मृतकों के परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस की समझाइश के बाद मृतक का देवी सिंह के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड,
हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ही गांव के दो युवाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने राजस्थान और गुजरात में 50 से ज्यादा बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 15 बाइक बरामद कर ली है। कोतवाली CI दिलीप दार ने बताया कि शहर और आसपास के इलाकों में बाइक चोरी की गैंग सक्रिय थी और लगातार वारदातें बढ़ रही थी। वारदातों के खुलासे को लेकर ASI राम स्वरूप, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, कांस्टेबल मगनलाल, CCTV केंद्र से सुरेंद्र सिंह, यशपाल और पंकज की टीम जांच में जुट गई है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610 8